भिंड जिले के महगांव जनपद के भारोली कला पंचायत में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां नाला निर्माण के नाम पर एक वर्ष पूर्व राशि निकाल ली गई, लेकिन नाला निर्माण अब शुरू किया गया जबकि सरपंच बदल गया, जिसमें ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। देखिए इसे पर एक खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि भोरली कला पंचायत के पूर्व सरपंच बादशाह सिंह कुशवाहा और पूर्व सचिव ने जनपद के अधिकारियों के साथ मिलकर बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है, जो काम धरातल पर हुए ही नहीं उनकी राशि को निकाल लिया गया, जबकि पंचायत में काम कराने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें पहले ठहराव प्रस्ताव होता है, उसके बाद स्टीमेट बनता है, फिर उसकी तकनीकी स्वीकृति होती है और फिर निर्माण शुरू होता है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई है। मतलब स्वीकृत तो ये सन 2020-21 में हुआ है, लेकिन इसका कार्य अभी आरंभ हुआ है। हाँ। यानी 5/9/2022 को से ये खुदना चालू हुआ है और कल 6 तारीख में इसकी गिट्टी वगैरह डाली गई है। मतलब हमें ये जानकारी है इसका, मतलब इनने पहले पेमेंट करा लिया अमाउंट, मतलब कार्य जी अब करा रहे हैं। हमने ये पंचायत ऐप के माध्यम से मतलब इसकी जानकारी मिली, हमें मिली। फलजीवाड़े की शिकायत जिला पंचायत सीईओ जेके जैन तक पहुंची तो उस पर जांच कर कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मैं भारोली कला महगांव जनपद पंचायत में आती है, मैं अभी जो वहाँ के जो सहायक अंतरिय सीईओ जनपद है उनको मैं अभी निर्देशित करूँगा तत्काल कि वो उन गांवों को जाकर देख ले। यदि ऐसी स्थिति पाई जाती है कि यदि उन्होंने पैसा पहले निकाल लिया और काम नहीं किया था या काम अभी करा रहे हुए, उसमें जरूर कार्रवाई करूँगा। सर जैसे काम पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद सर मूल्यांकन होता है पूरा, बाकायदा मेजरमेंट बुक में सब लिखा जाता है, तो सर इनमें जो मूल्यांकनकर्ताओं के ऊपर भी कोई कार्रवाई करेंगे क्या सर? नहीं, पहले तो यही अपराध है कि उन्होंने पहले पैसा निकाल लिया और उसको वो 2 साल बाद काम करा रहा है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि उन्होंने काम वास्तव पैसे पहले निकाल लिया गया, यदि उसने काम करा भी दिया होगा तो भी सचिव हो, सब इंजीनियर हो या यही हो, कोई भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। अगर उपयंत्री ने पहले मूल्यांकन किया और काम बाद में हो, उसका मतलब बिना मूल्यांकन के पहले पैसा निकाला गया, निश्चित कार्रवाई। हालांकि अब देखना होगा कि क्या भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले में कार्रवाई हो पाती है या फिर हर बार की तरह इसे भी ठंडे बस्ते में दबा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भिंड।